खाना खाते समय अपनी एक आदत आज ही सुधार लें, कभी नहीं होंगे बीमार। सबसे पहली बात है कि आजकल जैसे सर्दियों का मौसम, आज बारिश भी हो रही है सुबह से और थोड़े बादल भी हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो एक तो अगर हो सके तो हाथ पैर मुंह धो के खाना खाएं, एक जराब निकाल के खाना खाएं, कभी भी जराब पहन के खाना ना खाएं, जितनी मर्जी सर्दी हो जराब पहन के। जैसे कि रात को कई बार लोग स्वेटर पहन के सो जाते हैं, मोटे कपड़े पहन के सो जाते हैं, तो रात को सोते समय कभी भी जितनी मर्जी सर्दी हो मोटे कपड़े पहन के नहीं सोना चाहिए, केवल सूती कपड़े में ही सोना चाहिए जितनी मर्जी सर्दी हो। और ओढ़ने में खेस रजाई ओढ़ने वो अच्छी बात है रजाई ओढ़ने, लेकिन मोटे कपड़े पहन के वेंटिलेशन पूरी बॉडी का हमेशा अच्छा रहना चाहिए। तो खाना खाते समय ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सर्दियों में कई बार हार्ट अटैक के एपिसोड्स होते हैं कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, दम घुट गया, सांस बंद हो गई रात को सोते सोते, तो वो वेंटिलेशन की कमी से होता है। तो वेंटिलेशन अच्छा से रहना चाहिए। भारत की संस्कृति में तो आया कि पंच स्नान करके हमें खाना खाना चाहिए, पंच स्नान, दो हाथ दो पैर और मुंह कुल्ला करके मुंह धो के तब खाना खाएं, ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट है। मैं पांच ही और बताता हूँ, पांच आदतें आपको सुधारनी है जो हमेशा फिट रखेंगे आपको खाना खाते समय, किन बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले बस मैं आपको बता दूं कि हेल्थ नॉलेज इंडिया, हेल्थ नॉलेज इंडिया ये मेरा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इस पर मैं समय समय पर आते रहता हूँ, और मेरा प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जगदम्बा बीबी केयर, जिस पर मैं डेली अपने खाने की वीडियो पोस्ट करता हूँ, लाइव सेशन मेरा डेली होता है खाने के बारे में, खाने की आते हैं, सोने की आते हैं, कपड़ों की आते हैं, सारी आते हैं मैं इस पर बताता हूँ। तो इस पर जब मैं हर संडे को लाइव होता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, तो लाखों लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, 3.5 लाख लोग जुड़ जाते हैं। और वैसे मेरे से कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये मेरा लाइब्रेरी का लिंक भी है, और मैं फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर भी, और मेरी वेबसाइट है जगदम्बा बीबी केयर भी, और डॉक्टर मनोज मित्तल भी, इस पर भी विजिट करें। और वैसे हमारा हॉस्पिटल अब एम्पैनल्ड हो गया है स्टार हेल्थ के लिए भी, आयुष्मान भारत के लिए, आदित्य बिरला, ICICI, SBI, FHPL, एरिक्सन, मैक्स बुपा, मैक्स निवा बुपा, और बजाज अलायंस, इफ्को टोक्यो, चोला मंडलम, बड़ी सारी कंपनी से अलाइन भी है हमारा हॉस्पिटल। तो इसलिए कभी भी किसी को अगर एडमिशन की जरूरत पड़े बच्चे को तो आप हमारे एडमिट करा सकते हैं। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि हमेशा हर कोई फिट रहे, कभी बीमार ना हो। अक्सर जब लोग बीमार होते हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों के पीछे बीमार होते हैं, किसी को मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, किसी को कोई फ्लैट लेना है, तो बड़ा डिस्कशन करते हैं, सोचते समझते मैं कौन सी गाड़ी लूं, लेकिन ये छोटी बातों पे ध्यान नहीं करते, इसलिए बीमार होते हैं लोग। मैं पांच आते और बता रहा हूं आपको, पांच आते आपको ठीक करनी है जिससे कि कभी बीमार नहीं होगी। खाने की आते, एक तो जब भी खाना खाएं बैठ के खाना खाएं, चटाई पे बैठ के, आसन पे बैठ के खाना खाएं, जिससे कि हमारी ग्रेविटी हमारे मणिपुर चक्र पे रहे। हमारे मणिपुर चक्र जो है सोलर प्लेक्सस, इसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस, तो ये सोलर प्लेक्सस सूर्य चक्र जो होता है मणिपुर चक्र, ये हमारे भोजन की पाचन के लिए, देखिए कितना न्यूट्रिशियस फूड हम ले रहे हैं, इतना टेस्टी इतना न्यूट्रिशियस फूड अगर हम ले रहे हैं लेकिन उसका लेने का तरीका ठीक नहीं है तो हम कैसे फिट रहेंगे। तो इतना न्यूट्रिशियस फूड लेने के लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मैं और मेरा परिवार हम लोग तो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हम लोग हमेशा फिट रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि आप भी फिट रहें। तो नंबर चीज एक चीज हो गई कि हम हाथ पैर मुंह धो के खाना खाएं तो अच्छा रहेगा, फिर जमीन पे बैठ के खाना खाएं जिससे कि हमारा मणिपुर चक्र, हमारे पूरी बॉडी की ग्रेविटी हमारे मणिपुर चक्र पे रहे। नंबर तीसरी चीज है कि जब भी खाना खाएं तो सूरज की रोशनी के रहते रहते खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा। जब सूरज अवेलेबल है, चाहे हमारे ऊपर डायरेक्ट किरणें पड़ रही है नहीं पड़ रही है, सूरज की रोशनी के रहते खाना खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सुबह 9-10 बजे खाना खाएं, शाम को 5-6-7 बजे तक खाना खा लें, ज्यादा लेट नाइट में खाना ना खाएं। इससे चाहे आपकी नाइट ड्यूटी हो चाहे आपकी डे ड्यूटी हो, खाना दिन में ही खाएं वो अच्छा रहेगा। नंबर चार जो आपको खाना ध्यान रखना है कि खाने को 32 बार चबा के खाएं। एक बाइट अगर मुंह में डाली ऐसे तो उसको 32 टाइम चबाना है, इतना चबाओ खाने को एक बाइट को कि वो खाना पानी बन जाए, कभी वजन नहीं बढ़ेगा। आधे खाने से आपका काम चल जाएगा, आधी खुराक से काम चल जाएगा, इसलिए उसका फायदा उठाएं, ये ध्यान रख लें। उसके अलावा ये ध्यान रखें कि खाना जब भी खाएं तो खुश होकर खाना खाएं, पूरा ध्यान खाने में रहे, मोबाइल ना चलाएं। अगर मोबाइल चलाएंगे साथ में तब खाना पचेगा नहीं, हमारा ध्यान सारा मोबाइल में रहेगा, हमारे एंजाइम्स हार्मोन्स जो है डाइजेस्टिव जूसेस वो सिक्रीट ही नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे, इसलिए ध्यान रखें। तो अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे, हमेशा फिट रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखेंगी। इंटरमीटेंट फास्टिंग को फॉलो करें, ये मेरा लंच है, ये मेरा लंच है, मैं ब्रंच सुबह कर चुका हूँ पेट भर के, सुबह 9:30 बजे मैंने ब्रंच किया था, 10 बजे पेट भर के खाना खाया था, अब मैं 2 बजे ये फल लेता हूँ, शाम को 6 बजे मैं खाना खाऊंगा, उससे मैं हमेशा फिट रहता हूँ। और खाने के बारे में, फिटनेस के बारे में एक कैलेंडर है, दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर, जो कि हर ऋतु में क्या खाएं, व्हाट फूड टू बी टेकन, व्हाट फूड नॉट टू बी टेकन, एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, किस ऋतु में क्या करें क्या ना करें, मैं इसके बारे में एक लाइव सेशन करूंगा, कल करूंगा, तो उस सेशन में जरूर जुड़ना आप। और मैं अभी 3 दिन पहले स्वामी रामदेव के पास गया था हरिद्वार में, तो आस्था चैनल पे मैंने काफ़ी देर तक मैं लाइव रहा, तो मेरे जगदम्बा बीबी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर सारी वो रिकॉर्डिंग है,
उसकी, तो स्वामी जी बड़ा खुश हुए, लगभग चार दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, तो उस पर जरूर विजिट करें। डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल, एक तो ये लाइफ सेशन है, एक है कि जो स्वामी जी के साथ में बैठा हूँ तो तीन दिन पहले, वो भी जरूर देखना आप। वैसे मैं अपने जगदम्बा विवेकर पे डेली लाइव भी होता हूँ, और हर संडे को कृष्णासर सेशन के लिए मैं लाइव होता हूँ, वो भी देखें, और हर मंगलवार को हमारे हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फ्री ओपीडी होती है, वो भी जरूर, जो भी आसपास में है तो जरूर उस फेज के लिए ज्वाइन करें। थैंक यू।